देखते हैं क्या है इसके अंदर। यहां पे लिखा हुआ है हु इज शेक्सपियर कौन था, regarded who is Shakespeare regarded as the greatest writer in English language and the world's preeminent dramatist called as England national poet England ke isko England ka national poet kaha jata tha point as part of even most popular playwright in England aur ye most popular playwright tha England ke andar written comedy history tragedy and poetry author of the famous tragedy playwrights Romeo and Juliet Anthony and Cleopatra and Julius Caesar. Next. अच्छा जी, अब चलते हैं जनाब ओथेलो के ऊपर। सेटिंग्स देख लेते हैं। सेटिंग का मतलब है कि ये जो है इसकी कहाँ पे ये जो है ये ड्रामा किस प्लेस के ऊपर या कहाँ पे इसकी सेटिंग थी, किस प्लेस के ऊपर लिखा गया या कौन सी जगह के ऊपर लिखा गया। यहाँ पे देखें, दैट इज द साइप्रस और ये जो है सी है और ये वेनिस है। अच्छा जी, प्लेस देख लें, यहाँ पे बिगिंस इन वेनिस एंड इन द आइलैंड ऑफ साइप्रस देयर आफ्टर। ठीक है, सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था यहाँ वेनिस से। ठीक है, वेनिस से ये कहानी स्टार्ट होती है और ये एंड होती है इन द आइलैंड ऑफ साइप्रस, जब जो है ये सब जो है ट्रेवल करके साइप्रस चले जाते हैं। टाइम देख लेते हैं, लेट 16th सेंचुरी में लिखा गया ड्यूरिंग, मतलब ये जो सॉरी लिखा नहीं गया सॉरी ये जो है इसका जो टाइम पीरियड दिखाया गया इसके अंदर, तो ये लेट 16th सेंचुरी की कहानी थी ड्यूरिंग द वॉर्स बिटवीन वेनिस एंड टर्की। वेनिस और टर्की के दरमियान जो वॉर थी उसके ऊपर लिखा गया। ये किसी हद तक एक पॉलिटिकल प्ले भी था और नॉट ओनली एक रेसिस्ट प्ले भी था, इसमें रेसिज्म भी दिखाई गई। कैरेक्टर्स देख लेते हैं, यहाँ पे देखें साइड पे लिखा होगा कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स इसमें है ओथेलो द हीरो, डेस्डेमोना इसकी बीवी, इएगो द विलन, माइकल कैसियो। माइकल कैसियो जो था वो आप ऐसे समझ लें कि ओथेलो का राइट हैंड था, एमिलिया, रोड्रिगो, बियांका, ब्रैबेंजियो, ड्यूक ऑफ वेनिस, मोंटेनो, लोडोविको, ग्रेजियानो, क्लाउन। ये अभी हम आगे चल के पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से कैरेक्टर्स थे। सबसे पहले ओथेलो के बारे में पढ़ लेते हैं। द प्लेस प्रोटैगनिस्ट एंड हीरो क्रिश्चियन मूर एंड जनरल ऑफ आर्मीज ऑफ वेनिस। ठीक है, क्रिश्चियन मूर था, काला हबशी था और वो जनरल था किसका, आर्मीज ऑफ वेनिस का। ओथेलो इज एन एलिक्वेंट एंड फिजिकली पावरफुल फिगर रिस्पेक्टेड बाय दोस अराउंड हिम। ठीक है, एक जो है वो सिपहसालार था एक आर्मी का और ओथेलो जो है वो एलिक्वेंट भी था, फिजिकली पावरफुल फिगर भी था और रिस्पेक्टेड बाय दोस्त जो कि उसके इर्द-गिर्द थे। बहुत ब्रेव था, बहुत बड़ी बड़ी उसने जंगें लड़ी हुई थी, तो ये इस तरह से था। डेस्डेमोना कौन थी, द डॉटर ऑफ वेनेटियन सेनेटर ब्रैबेंजियो। वेनेटियन सेनेटर ब्रैबेंजियो की बेटी थी डेस्डेमोना। डेस्डेमोना एंड ओथेलो आर सीक्रेटली मैरिड बिफोर द प्ले बिगिंस। दोनों जो है वो छुप के शादी कर चुके थे। Pure, meek, self-possessed, and determined. She is equally capable of defending her marriage, jesting bodily with Iago, and responding with dignity to Othello's incomprehensible jealousy. Pure थी, meek थी, self-possessed भी थी और determined भी थी। वो equally capable तो थी कि वो अपनी marriage को defend कर सकती थी। ठीक है, jesting bodily with Iago, और वो मतलब इएगो के साथ जो है वो बड़ा वो कोशिश करती है अपनी शादी को बचाने के लिए। एंड रिस्पॉन्डिंग विद डिग्निटी, और बहुत डिग्निटी के साथ वो रिस्पॉन्ड करती है ओथेलो को, ओथेलो की इनकॉम्प्रिहेंसिबल जेलसी को। नेक्स्ट चलते हैं, इएगो द विलन। ठीक है, इएगोस एनसाइन अ जॉब। अभी देखें आपने, आपको पहले मैंने सोफोक्लीस का ओथेलो पढ़ाया, वहां पे हमने कोई विलन एसेट नहीं देखा था। इसी तरीके से फिर आपको डॉक्टर फॉस्टर दिखाया पढ़ाया, उसके अंदर वो एक क्रिश्चियन मोरालिटी प्ले था जिसमें शैतान और इंसान की जंग थी, मतलब एस सच उसमें कोई विलन नहीं था। उसको हम विलन नहीं कह सकते मेफिस्टोफेलीस को एस सच, क्योंकि वो तो बाकायदा एक क्रिश्चियन प्ले था जिसमें इंसान और शैतान की जंग दिखाई गई। यहाँ पे आपको एक विलन भी मिलेगा शेक्सपियर की ट्रेजेडी में, यहाँ से विलन जो है वो इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ।
Othello's ensign, a job also known as an ancient or standard bearer, and the villain of the play. Iago is 28 years old. Othello को जब Othello ensign a job Othello ने उसको ensign किया था, a job also known as an ancient or standard bearer or villain and the villain of the play. और Iago जो है उस वक्त 28 years का था. Michael Cassio, Othello's lieutenant. ये था जनाब Michael Cassio, Othello का lieutenant भी था. Cassio is a young and inexperienced soldier whose high position is much resented by the Iago. Cassio जो है वो एक inexperienced soldier था जिसकी ये जो high position थी ये Iago जो है उससे बड़ा हसद करता था क्योंकि Iago ये expect कर रहा था कि जो position Cassio को मिली है वो Iago को मिलनी चाहिए थी. लेकिन Iago जो है वो फिर हसद में पड़ जाता है जब जो है Othello जो है Iago की जगह Cassio को जो है अपना lieutenant मुकर्रर करता है. Truly devoted to Othello, Cassio is extremely ashamed after being implicated in drunken brawl on Cyprus. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा Othello के साथ devoted होता है, Cassio जो होता है वो बहुत ज़्यादा extremely ashamed होता है जब वो जो है implicate करता है in drunken brawl on Cyprus and losing his place as lieutenant. और जब उसको उसके ओहदे से हटा दिया जाता है, जब वो drunken मतलब वो drunk करता है क्योंकि Iago ने actually उसको मजबूर किया होता है कि वो ड्रंक करे और फाइनली उसी में कहीं उसका झगड़ा होता है साइप्रस में और वो उसको एज अ लेफ्टिनेंट हटा दिया जाता है. Iago यूजेस कैसियोस यूथ गुड लुक्स एंड फ्रेंडशिप विद डेस्टेमोना टू प्ले ऑन ओथेलोस इनसिक्योरिटीज अबाउट डेस्टेमोना फिडेलिटी. ओथेलो जो है वो कैसियो की यूथ यानी कि वो बहुत ज्यादा यंग था उसकी जवानी को यूज करता है, उसकी गुड लुक्स को और उसकी फ्रेंडशिप विद डेस्टेमोना. इन तीन चीजों को वो एज अ टूल यूज करता है ताकि वो टू प्ले ऑन ओथेलोस इनसिक्योरिटीज अबाउट डेस्टेमोनास फिडेलिटी क्योंकि उसको अंदाजा होता है कि कहीं ना कहीं इस काले हबशी के दिल में ये जरूर है कि डेस्टेमोना इंतहा की खूबसूरत है और ये काला इंसान है. और आखिर ऐसी क्या रीजन थी कि डेस्टेमोना ने Othello से शादी की. ठीक है, तो वो ये तीनों चीजें क्योंकि Cassio खूबसूरत भी होता है, वो Venetian भी होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो Othello की इनसिक्योरिटीज है उसको बढ़ाने में Iago जो है वो ये सब चीजें, ये Cassio की यंग लुक्स या यूथ उसकी गुड लुक्स और उसकी फ्रेंडशिप जो कि Desdemona के साथ बहुत बचपन से ही थी, इन तीनों चीजों को यूज करता है ताकि वो Desdemona की फिडेलिटी जो है वो जो है उसके Othello के सामने यानी कि वो ये साबित कर सके कि Desdemona धोखेबाज. उसके बाद जो है एमिलिया, Iago की वाइफ थी एंड Desdemona's अटेंडेंट, अ साइनिकल वर्ल्डली वुमन, शी इज डीपली अटैच्ड टू हर मिस्ट्रेस एंड डिस्ट्रस्टफुल टू हर हस्बैंड. ठीक है, वो बहुत ज्यादा अटैच थी अपनी मिस्ट्रेस की तरफ और डिस्ट्रस्टफुल थी ऑफ हर हस्बैंड. रेड्रिगो, अ जेलस सूटर ऑफ Desdemona. रेड्रिगो जो है वो Desdemona से शादी करना चाहता था. सूटर कहते हैं कि जो शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं उनको सूटर्स कहा जाता है. यंग रिच एंड फूलिश रेड्रिगो इज कन्विंस्ड दैट इफ ही गिव्स Iago ऑल ऑफ हिज मनी Iago विल हेल्प हिम विद Desdemona's हैंड. रेड्रिगो जो है वो इस बात पे कन्विंस हो जाता है कि अगर Iago को वो अपना तमाम माल दे देगा तो Iago जो है उसकी Desdemona से शादी करवा देगा. Repeatedly frustrated as Othello's marriage Desdemona and then takes her to Cyprus, Rodrigo is ultimately desperate enough to agree to help Iago kill Cassio after Iago points out that Cassio is another potential rival for Desdemona. अब क्या होता है कि जब वो बहुत ज्यादा frustrated हो जाता है कि Othello ने मतलब एक काले हबशी ने Desdemona से शादी कर ली है और वो उसको साइप्रस भी ले गया, तो रोड्रिगो जो है अल्टीमेटली वो डिस्परेट हो जाता है कि वो Iago की हेल्प करे टू किल Cassio आफ्टर Iago पॉइंट आउट दैट Cassio इज एन अदर पोटेंशियल राइवल फॉर Desdemona. और फिर Iago कहता है जब वो देखता है कि भाई अगर Othello को वो किल करते हैं तो सेकंड जो अगर उसका कोई सूटर है वो तो Cassio है क्योंकि वो Desdemona की Cassio से बहुत ज्यादा दोस्ती है. Then finally, वो Iago प्लान करते हैं कि Cassio को कैसे किल किया जाए.
کیوں؟ کیونکہ ڈیسڈیمونا کا جو دوسرا پوٹینشل رائیول تھا وہ تو بھائی کیسیو تھا، وہ روڈریگو نہیں تھا، اور روڈریگو کا مین ایم کیا تھا ڈیسڈیمونا سے؟ شادی کرنا. نیکسٹ بیانکا، اے کورٹیزن اور پروسٹیٹیوٹ ان سائپرس. بیانکاز فیورٹ کسٹمر از کیسیو، ہو ٹیزز ہر ود پرومیسز آف میرج. بیانکا کا جو فیورٹ کسٹمر تھا وہ کیسیو تھا، جو کہ اس سے فالس پرومیسز کرتا ہے آف میرج. ڈیسڈیمونا's فادر اسمورٹ، سوری برابینزیو، ڈیسڈیمونا کا فادر تھا اسمورٹ بلسٹرنگ اینڈ سیلف امپورٹنٹ وینیٹین سینیٹر. ایز اے فرینڈ آف اوتھیلو، برابینزیو فیلز بیٹریڈ وین دا جنرل میریز ہز ڈاٹر ان سیکرٹ. برابینزیو کو بڑا غصہ آتا ہے بھائی کہ اس کی بیٹی نے کیوں شادی کی ہے ایک مور کے ساتھ. ڈیوک آف وینس، دا آفیشیل اتھارٹی ان وینس، دا ڈیوک ہیز گریٹ ریسپیکٹ فار اوتھیلو ایز اے پبلک اینڈ ملٹری سروینٹ. His primarily role with the play is to reconcile Othello and Brabantio to send Othello to Cyprus. ye ek official authority tha in Venice aur wo bahut zyada respect karta tha Othello ki as a public or military servant. uska primary role jo tha play mein wo ye tha ki wo Othello ko reconcile kar, Othello aur Brabantio ke aapas mein reconcile karwaye aur phir usne finally Othello ko Cyprus bhej diya. Next is Montano, the governor of Cyprus before Othello. We see him first in Act 2 as he recounts the status of the war and awaits the Venetian ships. Next is Lodovico, one of the Brabenzio's kinsmen. Lodovico acts as a messenger from Venice to Cyprus. He arrives in Cyprus in Act 4 with letters announcing that Othello has been replaced by Cassio as governor. Graziano, Brabantio's kinsman who accompanies Lodovico to Cyprus. Amidst the chaos of the final scene, Graziano mentions that Desdemona's father has died. Brabantio ka kinsman tha jo ki accompany karta hai Lodovico ko Cyprus tak. Aur amidst the chaos of final scene, Graziano mention کرتا ہے کہ ڈیسڈیمونا کا فادر جو ہے وہ مر چکا. اس کے بعد کلاؤن آتا ہے اوتھیلو سرونٹ. Although the clown appears only in two short scenes, his appearances reflect and distort the action and words of the main plot. پلاٹ دیکھ لیتے ہیں اس کا کیا تھا. پلاٹ میں کچھ یوں تھا: ایکسپوزیشن، رائزنگ ایکشن، دین کلائمیکس، فالنگ ایکشن، اینڈ فائنلی ریزولوشن. ایکسپوزیشن میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. اوتھیلو اینڈ ڈیسڈیمونا میری، دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، اینڈ اٹیمپٹ ٹو بلڈ ا لائف ٹوگیدر، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ دونوں اکٹھے مل کے اپنی زندگی گزاریں. ڈسپائٹ دیئر ڈفرینسز ان ایج، ان دونوں کے ایج میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے، ریس اینڈ ایکسپیرینس، دونوں کے ایکسپیرینسز میں بھی اور ریس میں بھی. کس طریقے سے؟ ایک تو دونوں میں ایج ڈفرنس بہت زیادہ، دوسرا ایک وینیٹین ہوتی ہے اور وہ جو ہے مور ہوتا ہے اوتھیلو، ٹھیک ہے، بیوی اس کی جو ہے وہ ڈیسڈیمونا، وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے. ایکسپیرینس اس لحاظ سے کہ اوتھیلو جو ہے اس کا وہ ایک واریئر ہوتا ہے، ایک سپہ سالار ہوتا ہے، بہت سی جنگیں لڑی ہوتی ہیں. ڈیسڈیمونا ایک ایسی لڑکی ہوتی ہے یا ایسی لیڈی ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ سوبر ہوتی ہے، پیور ہوتی ہے، اور وہ کسی کے پلاٹس کو یا کانسپریسیز کو کبھی سمجھ نہیں پاتی. دیئر میرج از سب آرڈینیٹڈ بائی دا اینویس ایگو. ان کی میرج کو برباد کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ اس اینویس ایگو کا تھا، ہو کنوینسز اوتھیلو دیٹ ڈیسڈیمونا از انفیتھفل، جو کہ اوتھیلو کو کنوینس کرتا ہے کہ ڈیسڈیمونا جو ہے وہ انفیتھفل ہے. Rising action دیکھتے ہیں، یہ تو اوور آل دیکھ لیا ہم نے. Iago tells the audience of his scheme. Iago, اب soliloquies جو ہے بیسیکلی ہم شیکسپیئر کے ڈراماز میں دیکھتے ہیں. Soliloquies mean کہ خود کلامی کرنا. Iago, آپ دیکھیں وہ بگس بنی کے کارٹونس آتے ہیں، بگس بنی کون کون دیکھتا ہے، اس میں وہ خرگوش جب بھی کچھ کرنے لگتا ہے نا شرارت، آپ دیکھیں وہ آڈینس کو نا ہاتھ ایک سائڈ پہ رکھ کے، مطلب گال کے اوپر ایک ہاتھ یوں کر کے، اور وہ آڈینس کو کہتا ہے کہ بھائی اب میں یہ کرنے جا رہا ہوں،
और वो जो उन कार्टून्स के अंदर वो जो एक गंजा सा एक कैरेक्टर होता है जिसने सर पे टोपी ली होती है और हमेशा वो जो है बक्स बनी का शिकार करने आता है, वो भी कभी कभी ऑडियंस को जब कुछ एक्ट करने जा रहा होता है तो वो कुछ ऑडियंस को बता रहा होता है, उसको कहते हैं सोलिलोक्वी। अब यहाँ पे शेक्सपियर के ड्रामास के अंदर सोलिलोक्वी बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इएगो जो है वो ऑडियंस को बताता है अपनी स्कीम के बारे में, अरेंजेस फॉर कैसियो टू लॉस हिज पोजीशन। उसका मेन टारगेट क्या था, कैसियो को किसी तरह एज अ लेफ्टिनेंट उसकी पोजीशन से हटा दिया जाए, एंड ग्रेजुअली इंसिन्यूएट्स टू ओथेलो दैट डेस्टिमोना इज अनफेथफुल, और फिर ग्रेजुअली वो ओथेलो को ये बावर कराने में कामयाब हो जाता है कि डेस्टिमोना अनफेथफुल है, वो धोखेबाज औरत है। क्लाइमेक्स देखते हैं, द क्लाइमेक्स अकर्स एट द एंड ऑफ द एक्ट थ्री व्हेन Othello kneels with Iago and vows not to change end course until he has achieved bloody revenge. Climax to tab aata hai na jab at the end of act 3 scene 3 Othello jo hai wo Iago se jo hai wo baat karta hai and vows not to change the course until he has achieved bloody revenge, aur wo kehta hai ki tumne course change nahi karna jab tak ke wo ye badla na le. Iago plants the handkerchief in Cassio's room and later arranges a conversation with Cassio. Iago जो है वो क्या करता है कि वो एक handkerchief जो है Cassio के room में रख देता है, and later बाद में वो एक arrange करता है conversation with Cassio which Othello watches and sees as a proof that Cassio and Desdemona has slept together. Iago unsuccessfully attempts to kill Cassio. और इएगो जो है एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करता है कि वो कैसियो को किल करे एंड ओथेलो, और ओथेलो को एंड ओथेलो स्मूदर्स डेस्डेमोना विद अ पिलो, और ओथेलो जो है वो डेस्डेमोना को विद अ पिलो जो है किल करने की कोशिश करता है। एमिलिया एक्सपोजेस इएगोस डिसेप्शन, एमिलिया जो है एक्सपोज कर देती है इएगो की तमाम डिसेप्शन को, और ओथेलो किल्स हिमसेल्फ, और बाद में ओथेलो जो है अपने आप को किल कर देता है। Iago is taken away to be tortured, और Iago को वहां से लेके जाया जाता ताकि उसको सजा दे। Resolution देखते हैं, the intrigue of Othello is watching Iago work his manipulative magic. Intrigue of Othello क्या था? वो is watching Iago work his manipulative, कि Iago जो है जो कि throughout Othello को देख रहा था उसको वो work his manipulative magic, तो उसके इस manipulative magic ने ओथेलो की जिंदगी में जो है एक इंट्रीक किया, एक उसका हमने देखा रोल, द डिसेप्शन ग्रोज बिट बाय बिट। ये सारे इएगो की ही मैनिपुलेटिव पार्ट्स थी, या उसकी मैनिपुलेटिव मैजिक, या उसकी मैनिपुलेट करना कहते हैं किसी इंसान को अपने इशारों पे नचाना, या उसका माइंड जो है आपके हाथ में आ जाता है, इसको कहते हैं मैनिपुलेट करना, ठीक है। बाज़ औक़ात जो है हम लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम औरों के हाथों, ठीक है, मैनिपुलेट भी हो जाते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि देखें मैनिपुलेशन बिल्कुल इस तरह है कि आपको एक इंसान आके कहता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत छोटी सी मिसाल देती हूँ कि एक इंसान कहता है कि वो फलाना बंदा पूरा है, आप फर्स्ट टाइम नहीं मानोगे, सेकेंड टाइम फिर वो आपको कहेगा वो फलानी बंदी है ना, वो इस तरह की है, आप सेकेंड टाइम भी नहीं मानोगे, थर्ड टाइम ना आप के ऊपर वो थर्ड टाइम वो बात असर करने लग जाएगी, और वो कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा, तो वो आहिस्ता 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 वो वही इंसान जिसको आप कभी बहुत अच्छा समझते थे वो आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि जब सहाबा कराम कभी किसी और के बारे में कोई बात करने लगते थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे, मतलब एक हदीस का मफहूम है कि मुझे ऐसे मत कहो, मतलब इससे शायद मेरा गुमान बुरा हो जाएगा, तो इसलिए कभी किसी के बारे में, मतलब हम इस तरीके से मैनिपुलेशन होती है माइंड की, और दैट इज द नेचर कि जब आप एक इंसान को बार बार किसी के बारे में बुरा कहते हैं तो फाइनली वो शायद बुरा हो या ना हो लेकिन आप कहीं ना कहीं मानने पर मजबूर हो जाते हैं, और आपको ये भी पता होगा कि नेगेटिव थॉट्स ज्यादा असर करती हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव थॉट्स। लाइक अगर मैं आपको कहती हूँ चलें जी आप आज से 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दें, क्या करेंगे आप? आज से पढ़ना शुरू कर देंगे? नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन
अगर आपके साथ किसी दिन मुझसे कोई खता हो गई ना, आपने मेरी सारी नेकियां पानी में डाल दी। सही बता रही हूँ? इट मीन्स कि इवल जो है वो ज्यादा काम करता है। उस दिन आप बिल्कुल मान जाएंगे, अच्छा मैम है ही बोली। तो द थिंग इज दैट कि दैट इज द मैनिपुलेटिव पार्ट, ठीक है। तो ये होती है, और फिर उसके साथ साथ आपको फिर वो वाली सारी बातें याद आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा हाँ, फलाने टाइम भी ऐसे हुआ था और धमकाने टाइम भी ऐसे हुआ था। हाँ, अच्छा, वो तो उस टाइम मैंने नोट ही नहीं किया। फिर आपको सारी बुराइयां ना काउंट होना शुरू हो जाती है इंसान की। ये सेम ओथेलो के साथ भी यही हुआ, ठीक है। तो वो जो वॉचिंग इयागो था ना, उसकी मैनिपुलेशन ने ना काम कर दिया था। इसी को मैनिपुलेटिव मैजिक कहा गया है, कि भाई उसके वो जो तमाम ट्रिक्स थी वो काम कर गई। द डिसेप्शन ग्रो बिट बाय बिट, और ये जो डिसेप्शन थी ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होना शुरू हुई बिट बाय बिट, अंटिल ओथेलो इज क्वाइट एंसनेयर्ड बाय हिज ओन जेलस थॉट। यहाँ तक कि ओथेलो अपनी ही जेलस थॉट्स में एंसनेयर्ड होके रह गया। द प्लॉट थिकन्स एंड थिकन्स एंड द कॉम्प्लिकेशंस ट्विस्ट एंड टर्न अंटिल वी फाइनली अराइव एट द साइकोलॉजिकल क्लाइमेक्स, ओथेलोस डिक्लेरेशन दैट ही विल किल हिज वाइफ। फाइनली ओथेलो ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब वो अपनी बीवी को कत्ल करेगा। वी चूज दिस एज द क्लाइमेक्स रादर देन द एक्चुअल किलिंग, बिकॉज वी आर बिल्डिंग टूवर्ड्स इयागो डिफीट्स ऑफ ओथेलो माइंड। हमने वी चूज दिस एज अ क्लाइमेक्स, हमें ये एज अ हम इसको क्लाइमेक्स देखते हैं रादर देन एक्चुअल किलिंग, क्योंकि हम इयागो की डिफीट ऑफ ओथेलोस माइंड के वी आर बिल्डिंग टूवर्ड्स, के हमें था कि शायद ओथेलो की डिफीट होगी, सॉरी इयागो की डिफीट ऑफ ओथेलोस माइंड, के इयागो जो है ओथेलो के माइंड को डिफीट करेगा, नॉट ओथेलोस डिफीट्स ऑफ डेस्टिमोना बॉडी। ओथेलो की डिफीट मतलब डेस्टिमोना की डिफीट नहीं होगी, बल्कि ओथेलो के शायद माइंड की डिफीट होगी। शायद कोई एंड पे ऐसा कुछ आए कि ओथेलो जो है वो अपनी बीवी को किल शायद नहीं करेगा, और शायद इयागो जो है वो एक्सपोज हो जाएगा और शायद डेस्टिमोना बच जाए। इसी को क्लाइमेक्स कहते हैं ना, कि हम सोच रहे होते हैं शायद आर या पार। रेजोल्यूशन, मिनट्स आफ्टर शी डाइज एमिलिया फिगर्स आउट दैट इयागो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल मेस। जैसे ही वो किल करता अपनी बीवी को ओथेलो, तो एमिलिया जो कि इयागो की बीवी होती है वो क्या बताती है कि ये तो भाई इयागो है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे मर्स का, इस पूरे फसाद का। व्हेन शी शेयर्स दिस विद ओथेलो एंड हिज मैन, इयागो किल्स हर। जब वो ये सारी बातें ओथेलो को बता रही होती है तो इयागो उसको कत्ल कर देता है। ओथेलो ब्रोकन बाय ग्रीफ एंड गिल्ट स्टैब्स हिमसेल्फ। ओथेलो जो है वो ग्रीफ और गिल्ट में पड़ा हुआ होता, अपने आप को वो भी कत्ल कर लेता। ऑलमोस्ट एवरीवन डाइज, सब मर जाते। उसके बाद देखते हैं थीम क्या थी इस पूरे ड्रामा की। ये तो जनाब हो गई ट्रेजेडी, तो हो गई हीरो मर गया, तब उसके इर्द गिर्द जिनसे वो मोहब्बत करता था वो भी मर गया। इसमें देखिएगा द इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द मिलिट्री हीरोइज्म एंड लव, द डेंजर ऑफ आइसोलेशन जेलसी, ठीक है। इसके अंदर थीम क्या है? इनकम्पैटिबिलिटी है मिलिट्री हीरोइज्म की और लव की, डेंजर ऑफ आइसोलेशन, कि जब आप अपने आप को एक सोसाइटी से आइसोलेट कर लेते हैं और सिर्फ एक इंसान की बात मानना शुरू कर देते हैं तो फिर क्या होता है? हिकमत ये नहीं होती कि हमें अगर किसी की असलियत पता चल गई है तो हम उससे बदला लेना शुरू कर दें या हम आइसोलेशन इख्तियार कर लें। हिकमत ये है कि जो तुम्हें तोड़े उसको जोड़ो। और आपको पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द आपके कितने राइवल्स हैं। आप बेशक कुछ ना कहें, आप उनसे अच्छा सलूक करें, सब कुछ करें, लेकिन ये जो डेंजर ऑफ आइसोलेशन है ना, दैट इज वेरी बैड टू लिव इन अ सोसाइटी वुड कैन। मतलब मैंने आपको शायद बार बार मैं एक चीज कहती हूँ कि नो मैन इज एन आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? एक आइसोलेटेड एक जमीन होती है और एक खुश्की का वो होता है जिस जो कि बाकी जमीन से कटा हुआ होता है, और उस आइलैंड तक जाने के लिए आपको समंदर पार करना पड़ता है। तो ये होते हैं डेंजर्स ऑफ आइसोलेशन और उस आइसोलेटेड पर्सनैलिटी। वो कभी कभार क्या होता है, जजीरा अक्सर समंदर में जब तूफान आता है तो वो जजीरा डूब जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाकी दुनिया से कटा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही डेंजर ऑफ आइसोलेशन है कि हम किसी की बुराई देख के ना अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं।
हम किसी के अंदर हमें थोड़ा सा शक भी होता है ना या उसकी पर्सनालिटी, हम उसको अपने आप को आइसोलेट करते हैं और यकीन जाने जिस वक्त हम ये इरादा करते हैं ना कि आज के बाद हम इस इंसान से बात नहीं करेंगे, आप जरा अपने अंदर देखें कितनी तकलीफ होती है। अगर आप उसी दिन दरगुजर कर दें तो सोचें कि कितना सुकून मिलता। ये होते हैं डेंजर्स ऑफ आइसोलेशन। मोहब्बत और नफरत दोनों में बहुत छोटा सा एक पर्दा है। मोहब्बत का उलट नफरत है, नफरत का उलट मोहब्बत है। मोहब्बत करना आसान है, आपको सूद करती है मोहब्बत, चाहे आप इंसानों से करते हैं चाहे आप रिलेशन से करते हैं। नफरत ऑल्दो किसी के अपने एक्ट की वजह से की जाती है, हो सकता है हमारे अंदर हसद हो, हमारे अंदर जैसी हो, लेकिन मैंने एक चीज अपनी जिंदगी में देखी, नफरत करना बड़ा मुश्किल था। आप अल्टीमेटली अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो। करके देखें जरा अंदर झांक के, अपने अंदर टॉर्चर होते हैं अल्टीमेटली होते हैं, तो बेहतर नहीं है। तो मैं एक ही चीज कहती हूँ, मोहब्बत करना आसान है, नफरत करना बहुत मुश्किल काम है। ये करें ही ना, निकाल दें इस नफरत को, बहुत मुश्किल काम। जब आप माफ कर देते हैं, जब आप बुरे के साथ अच्छा करते हैं, तो आपको अंदर से बड़ा सुकून। तो करके देखिएगा। कल मैंने एक कोट पढ़ी, पता नहीं मेरी किसी स्टूडेंट ने शायद शेयर की हुई थी कि जी अगर कोई आपके साथ बुरा करे ऐसे लोगों को छोड़ दे जिनको आपकी फिक्र नहीं है या कुछ इस तरह से, तो मैंने नीचे लिखा आई एम नॉट एग्रीड। मैंने कहा हमारे दीन में हमें ये नहीं सिखाया गया, हमारे इस दीन में तो हमें सिखाया गया है कि जो तुम्हें तोड़े उसको जोड़ो। और अगर हम तोड़ने वालों को जोड़ना शुरू कर दें, यकीन करें हमारी सोसाइटी आपस में बाउंड होके रह जाएगी। अगर आप उसको गिफ्ट दें जिससे आपको उम्मीद ही नहीं है कि मुझे गिफ्ट वापस मिलेगा, तो दैट इज मच बेटर ना। ठीक है, फिर तो हम फिर हम कहते हैं कि अच्छा हाँ हमने अल्लाह के लिए इस बंदे के साथ ताल्लुक रखा है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि क्योंकि मैं इससे इसलिए ताल्लुक रख रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत कुछ देगी, हाँ इल्म वालों के साथ जरूर आप ताल्लुक रखें, लाइक मुझे अच्छा लगता है मैं इल्म वालों के साथ बैठती हूँ। दीज आर द डेंजर्स ऑफ आई, अपने आप को किसी और के रद्द अमल की वजह से ना आइसोलेट मत किया। हम करते हैं 95% लोग यही काम करते हैं, और फाइनली वो अगले बंदे को नुकसान हो ना हो आपको हो जाएगा। ठीक है, सो अवॉइड द हेट्रेड, अवॉइड दिस टाइप ऑफ आइसोलेशन। तो ये है जनाब डेंजर ऑफ आइसोलेशन। और तीसरी चीज जो यहाँ पे दिखाई गई है वो है जेलसी, हीरोइज्म, लव, डेंजर ऑफ आइसोलेशन एंड जेलसी, हसद। ठीक है, हसद जो है वो कैसे नेकियों को खा जाता है। और बाज़ औक़ात हम ख़वातीन एक काम करती हैं छोटा सा, फलाने का मियाँ तो ऐसा आप ऐसे, कहीं ना कहीं दैट इज द माइनर पार्ट ऑफ हसद। वो फलाने का मियाँ या फलाने की बीवी चाहे जैसी मर्जी हो, लेकिन हम अपना घर ये सेंटेंस कह के खराब कर रहे होते हैं। और हमारी जो इंटेंशन होती है वो यही होती है, एक्चुअली हमें वो नजर आता है जो हम देखना चाह रहे होते हैं, क्योंकि हम दूसरों की जिंदगी को अपने से ज्यादा अच्छा देख के और अपनी बीवी या अपने शोहर, बीवियां शोहरों को और शोहर बीवियों को, ज्यादा औरतों के ये काम होते हैं, बताना चाह रही होती है कि फलानी ज्यादा खुश है अपने मियाँ से या फलाने का ये इतना अच्छा और हमारा ऐसा नहीं। तो दैट इज द लोअर पार्ट ऑफ जेलसी। और हसद क्या है, वो आपकी जो है नेकियों को भी खा जाता है और आपकी लाइफ भी खराब कर जाता है। नेक्स्ट है मैसेज, यहाँ पे हमें क्या मिला, वी नीड टू बी एबल टू ट्रस्ट योर सिग्निफिकेंट अदर एंड नीड टू बी एबल टू ट्रस्ट यू। ठीक है, यू नीड टू बी एबल टू ट्रस्ट योर सिग्निफिकेंट अदर, आपको अपने ही सिग्निफिकेंट पे ट्रस्ट करने की जरूरत है। यहाँ पर लिखे क्या देखा है, विलियम शेक्सपियर की कोट लिखी हुई है, लव सस्पिशियस, जेलसी, रिवेंज। नीचे लिखा है आई किस डी और आई किल डी। ठीक है, आई किस डी आई किल डी, वो कहता है मैंने तुमसे मोहब्बत की और फाइनली मैंने तुम्हें किल कर दिया। डी यू को कहते हैं, नो वे बट दिस किलिंग माय सेल्फ, लेकिन मैंने अपने आप को किल किया, टू डाई अपॉन अ किस, और वो एंड पे उससे किस करते हुए मर जाता है कि वो उसने उससे मोहब्बत की, और एंड में वो कहता है कि मैंने ही तुमसे मोहब्बत की और मैंने ही तुम्हें किल कर दिया।
और वो कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें किल नहीं किया बल्कि मैंने अपने आप को किल कर दिया। ठीक है, ये होती है हेट्रेड, ये होती है जेलसी कि हम सिर्फ दूसरे को किल नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने आप को भी किल कर देते हैं। वो वैसे जैसे है ना, वो विलियम ब्लेक का एक पॉइजन ट्री, उसने वो लिखी हुई है पोएम, उसके अंदर भी कुछ इसी तरह से। तो वो कहता है यहाँ पे यू नीड टू बी एबल टू ट्रस्ट योर सिग्निफिकेंट, अपनी अपने आप पे तो कम से कम ट्रस्ट करके देखे ना, अदर दे नीड टू बी एबल टू ट्रस्ट यू अनलेस के उनको आपके ऊपर दे नीड किसी और को जरूरत पड़े कि वो आपको ट्रस्ट करें। जैसे वो एक शेर है ना, अपने ही मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। ठीक है, अपने मन में देखें कि सुरागे जिंदगी किधर है, तू मेरा नहीं बनता ना बन, कि तू मेरा ना बन, तू अपना तो बन, अपने ऊपर तो ट्रस्ट करना सीख, अपने अंदर तो देख के सुरागे जिंदगी किधर है। तो अपनी सिग्निफिकेंस जो है उसके ऊपर ट्रस्ट करना ज्यादा जरूरी है, रादर देन दे नीड टू बी एबल टू ट्रस्ट यू, क्यों किसी और को जो है ये जरूरत पड़े कि वो आप ट्रस्ट करें। सबसे पहले इंसान अपने अपनी कुवतों को खुद जानता है। अगर आपको अपनी कुवतों का नहीं पता, आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपको मैं मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स का बताती हूँ, मैम नोट्स देते हैं। कौन स्टूडेंट्स नोट्स मांगते हैं? जिनको अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, जिनको अपनी पार्ट्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो फिर वो किस पे ट्रस्ट करेंगे? वो मुझे मेरे पास आएंगे, वो कहेंगे कि मैम नोट्स दे दें। क्यों? क्योंकि आपके स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं। मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स नोट्स की वजह से नहीं आते, ये तो मेरे स्टूडेंट्स को खुद पता है। मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स उस ट्रस्ट की वजह से आते हैं जो मैं उनके अंदर डालती हूँ कि बेटा तुम कुछ कर सकते हो, यू कैन डू इट। ये नोट्स की वजह से मेरे स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आते ही नहीं है। मैं तो उनका गुमान बहुत ज्यादा बुलंद कर देती हूँ। सिर्फ जैसे मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट हैं, उनको नोट्स की जरूरत है ही नहीं। उनका तो गुमान बुलंद करने की जरूरत है, उनको तो मैं उनका अपना मिरर दिखा देती हूँ कि देखो भाई ये पार्ट्स है तुम्हारे अंदर, नाउ गो अहेड। ये एक उस्ताद का काम है, उस्ताद का काम नोट्स रटाना नहीं है। सो हमेशा और सबसे पहले अगर किसी और के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना है, पहले मुझे अपने अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना है कि क्या मैं ये चीज क्रिएट कर सकते हैं किसी दूसरे बंदे के अंदर। एंड यस वी कैन डू इट। अपने स्टूडेंट को ये करके दिखाना इसलिए जरूरी है कि वो कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, आपका अमल ज्यादा बोलता है। मेरा दिल चाहता है कि मेरे स्टूडेंट्स जोड़ने वाले बने, वो इतनी इस पूरी सोसाइटी के अंदर इतनी क्रिएटिविटी और इतना ट्रस्ट डेवलप कर दें कि बारिश का पहला कतरा जो है वो मेरे स्टूडेंट्स बनेंगे। पहले वो पहला कतरा मैंने बनने की कोशिश की, मुझे बारिश का पहला कतरा बनना अच्छा लगता है। वो पहला कतरा गिरता है तो पीछे बाकी सारे कतरे आके गिरते हैं। वो पहला कतरा ही तो डर रहा होता है कि गिरूं कि ना गिरूं, और उसके बाद इतनी बारिश होती है कि हरियाली ही हरियाली हो जाए। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को वो बारिश का पहला कतरा बनना सिखाती हूँ, और मैं उनको बताती हूँ कि वो जो तुम्हारे पीछे आएंगे ना बाकी कतरे, वो होंगे जो हरियाली वो करेंगे। तो दैट इज द रोल ऑफ अ लीडर, दैट इज द रोल ऑफ अ टीचर, दैट इज द रोल ऑफ अ मदर। ठीक है, अगर आप पायनियर्स हैं और पायनियर्स बनना चाहते हैं तो ट्रस्ट डेवलप करें इनसाइड योर ओन सेल्फ एंड इनसाइड द अदर जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। ठीक है, ये ट्रस्ट ही है। जैसे मैं सांप के बारे में कहती हूँ ना कि अगर एक सांप को पता चल जाए ना कि वो जो उसके स्पाइरल्स होते हैं जो वो दरख्त के गिर्द घूमा होता है, अगर उसको अपनी ताकत का पता चल जाए ना सांप को, सांप अगर इंसान के गिर्द लिपट जाए तो इंसान मार देता है। ठीक है, इसी तरह अगर इंसान को अपनी पार्ट्स के ऊपर ट्रस्ट आ जाए ना, इसीलिए बार बार ये शेर मुझे बड़ा पसंद है कि अपने ही मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो अपने बन जाए, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू एंड डू द राइट। पैशंस भी फिर मैंने आपको बताया था दो तरह के होते हैं, कुछ पैशंस ऐसे होते हैं जो आपको किल कर दे। सो दैट नॉलेज इज द वन जो कि पैशंस तक लीड ना करें, जो विजडम तक लीड करें। तो फाइनल डिसीजन आपने खुद करना होता है कि कौन सा पैशन आपके लिए ठीक है और कौन सा नहीं है, या आपके जो खुद साख्ता पैशंस हैं वो आपके लिए बेहतर हैं भी कि नहीं। Who you put your trust in does matter.
who you put your trust in does matter. Jo trust aap apne andar put karte hain, wo matter karta hai. And if you don't trust those who you are closest to, things can go wrong. और अगर आप ट्रस्ट नहीं करते तो जो आपके करीब तरीन चीजें भी होंगी ना वो खराब होना शुरू हो जाएंगी. ये सारी ट्रस्ट की कहानी. लव कंज्यूम ऑल दोज हु टेक पार्ट इन इट एंड इन ओथेलोस केस द लव फॉर डेस्टेमोना हैज ब्लाइंडेड हिम एंड इट गिव इएगो अ चांस टू करप्ट हिम सो इजीली. द विग्ड इमोशंस ऑफ जेलसी नॉट ओनली रिजल्टेड इन द डेथ्स ऑफ थ्री ओथेलोस मेन कैरेक्टर. It caused the sudden deaths and innocent character as well. आगे ये कुछ references हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा. ये आप लोगों की आज slide जो है वो